बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के व्यवहार के खिलाफ व कंगना रनौत के समर्थन में भारतीय महिला मोर्चा मंडी जिला ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। मंडी के शेरी मंच पर इस अभियान की शुरुआत महिला मोर्चा की जिला मंडी प्रधान व नगर परिषद मंडी की अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि यह अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि हिमाचल की बेटी को सत्य के साथ साथ सच बोलने में मनोबल बढ़ सके। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह का हस्ताक्षर अभियान जिला के हर मंडल स्तर पर आयोजित किया जाएगा। मंडी जिला ये हस्ताक्षर अभियान कंगना के समर्थन में चलाया जा रहा है, क्योंकि कंगना हिमाचल की बेटी है और हिमाचल की बेटी ही नहीं हिमाचल का गौरव भी है, क्योंकि बहुत कम उम्र में वह बच्ची अपने घर से निकली थी और अपनी इतनी मेहनत और ईमानदारी का पैसा इकट्ठा करके तिनका तिनका इकट्ठा करके उस बेटी ने वहाँ एक घर बनाया था, एक अपने सपनों का घर बनाया था। वह बेटी वहाँ पर इतनी मेहनत से एक फिल्म इंडस्ट्री में जाती है और पूरी ईमानदारी से काम करती है, लेकिन जब उसे मौका मिला कि किसी शख्स के बारे में सच बोलने की उसने हिम्मत दिखाई तो वहाँ की महाराष्ट्र सरकार, जो सरकार ऐसी सरकार है कांग्रेस से वो सरकार का गठबंधन है, शिवसेना की वो सरकार है बाला साहब ठाकरे, आज वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे कि मेरे सपूतों ने महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार किया हुआ है और ऐसे गठबंधन की सरकार जिसकी अध्यक्षता जो है एक महिला कर रही है और महिला के ऊपर इस तरीके से जो दुर्व्यवहार वहां हो रहा है, तो महिला मोर्चा जिला मंडी जो है इसकी कड़ी निंदा करता है। और आज जिला में हम जो है हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, साथ में हर मंडल स्तर पर ये हस्ताक्षर अभियान जो है कल से शुरू किया जाएगा और महिला मोर्चा इस बेटी को पूरा सम्मान देगा, पूरा मान देगा और जब तक इसमें सच बोलने की क्षमता है हम हिमाचल की बहनें जो है उसका मनोबल इस तरीके से बढ़ाती रहेंगी। मुझे याद है कि उसकी माँ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो सच बोलने की क्षमता रखती है और मैंने उस बच्ची को महाभारत भी सिखाया है और गीता भी सिखाई है, जो दोनों ज्ञान जो है उस बेटी ने पढ़े।